वेलकम बैक। हमारा सेगमेंट चल रहा है विमेन हेल्पलाइन, और विमेन हेल्पलाइन का मतलब ये है कि यहाँ हम आज जो ये सेगमेंट करते हैं ये उन औरतों के लिए जिनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हो रही हैं, दुश्वारी है काम करने में, या कोई ऐसी बात आप शेयर करना चाहें, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। जब हम ऑन एयर बैठ के कर सकते हैं तो आप भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। आप लोग फोन करें, बताएं, ताकि दूसरी बच्चे बच्चियों को इससे लेसन मिले। जी शुमायरा, हम बात कर रहे थे डोमेस्टिक तबके की, बिल्कुल, कि अगर कोई मासियां भी हैं वो भी इस चीज को ना समझे कि उनकी कोई हेल्प नहीं करेगा, कोई हेल्प नहीं करेगा। वो ये सोच के जुन सहती रहें कि नहीं, चलो जी ये मालिक है, ये मालकन है, या वो आपका मुंह बंद कर दे और कहे कि नहीं आपने एक बड़ा अच्छा जो एक ड्रामा भी दिखाया जा रहा था मेरा साईं, आई थिंक वो वाला, वो उसके अंदर भी उन चीजों की, उस टॉपिक्स को लेके देखें। ये हमारी सोसाइटी के इश्यूज हैं जो आपको ड्रामे की सूरत में दिखाए जा रहे होते हैं। उसमें भी क्या था, उसमें भी वो एक मासी थी ना जिसके साथ ये सब हो रहा था, लेकिन वो फिर उसमें इन्वॉल्व हो गई थी। अब वो इन्वॉल्व करके कि आदमी की ये थी काउंसलिंग कि हाँ मैं तुमसे शादी करूंगा। अब मैं अभी आपसे एक केस ऑफ एयर डिस्कस कर रही थी जिसके अंदर था कि ऑफिस में ही लड़की काम कर रही थी, उसे कन्विंस किया गया कि मैं तुमसे शादी करूंगा, और मैं तुमसे शादी करूंगा। करने के बाद वो कई साल, दो साल वो अफेयर चला, चलने के बाद ये हुआ पूरा रिलेशनशिप, पूरे रिलेशनशिप उनके हो गए, सब कुछ हो गया। अब जब लड़की उसे फोर्स करने लगी कि भाई अब मुझसे शादी क्यों नहीं करो, मैं अपने घर की वाहिद सपोर्टर हूँ, मैं अपने घर को सपोर्ट कर रही हूँ, अब मैं भी थक गई हूँ और मेरे घर वाले मेरी शादी करना चाहते हैं, अब वो चाहते हैं कि मेरी अब छोटी बहन जॉब करने लग गई है, तो अब मैं अपने घर की हो जाऊं। उस पर उसने कहा कि नहीं, मैं तो, उसने डिस्क्लोज किया कि मैं तो मैरिड बंदा हूँ, आई एम सॉरी, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। अब आप बताएं वो लड़की किधर कंप्लेन लेके जाए। मैंने उसको, मेरे पास जब वो कंप्लेन लेके आई, मैंने उसे कन्विंस करने की कोशिश की कि अगर कहें तो हम इस पर लीगल एक्शन लेते हैं। लेकिन बहुत कुछ हो सकता है, बात है आपके थोड़ा सा स्टेप लेने की। अगर आप लेना चाहती, अगर वो लड़की लेना चाहती, उसने अपनी फैमिली के लिए कुर्बानी ये दी कि आगे उसकी बहनें थी, वो किसको नहीं डिस्क्लोज की उसने, ठीक है। हमने बड़ी कोशिश की कि चलो ठीक है, उधर शादी का सिलसिला, उस लड़की के फैमिली ने भी बड़ा कोशिश की कि शादी का सिलसिला उस लड़के के साथ हो जाए, लेकिन उस लड़के ने उससे शादी नहीं की। और आजकल आपको पता ना कि यहाँ कोई बेवकूफ नहीं है जी, सब लड़कों को सब होश है, सब होश है, सब होश। आप अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर ही रही हैं, ठीक है ना। ये चीज थी ना कि अगर ऑफिस के अंदर आप काम करें, काम करने में देखें अच्छे बुरे लोगों की पहचान, स्ट्रेंथ हर औरत के अंदर होता है। बात होती है कि आप उस चीज को, आपका अगर अपना कंट्रोल नहीं है, मैं आपको बताऊं शुमाला, ये लव प्यार में आके उसके वो बह जाएंगे, हम तो जितनी फिर भाई भी काउंसलिंग कर लेना, जितनी भी, जब आंखों पे पट्टी बंदी होती है ना, वो कहते हैं ना मोहब्बत की पट्टी जो होती है, लव इज ब्लाइंड, वो लव तो नहीं होता। लड़के तो आजकल लव नाम तो लड़कों में कहीं फिट ही नहीं होता। ये पुराने जमाने की कहानियां और दास्तानें और वाकई सच्ची मोहब्बतें कभी हुआ करती थी। अगर आप सोचते हैं आज के जमाने में ऐसा सब कुछ है, तो आई एम सॉरी। और आजकल लड़कों की अप्रोच क्या है, मैं आपको ये बताऊं, बर्न नहीं किया जा रहा होता, औरतों पे तशद्दुद नहीं किया जा रहा होता, औरतों को कारोकारी नहीं किया जा रहा होता, औरतों को घर से मार के निकाला, जलील करके निकाला नहीं जा रहा होता। ये सारे रीजन है, आप सोचिए, आप खुद देखें, आप लोग तो समझदार हैं, और पढ़ी लिखी लड़कियां हैं यार। अब तो अगर आप देखें कहां तक जो है एनजीओ की वजह से और लोग अपने अपने एंड पे लड़कियों को एजुकेट करें, लड़कों को एजुकेट करें। आप मुझे बताएं लड़का क्या, आजकल के लड़कों की क्या अप्रोच है कि ठीक है इस लड़की से मैं शादी कर लेता हूँ, ये अच्छा खासा पैसा लेके आएगी, अमीर लड़की हो, जॉब करती हो, अच्छा पैसा हो इसके पास, और अगर मेरा कोई साइड पे कुछ चलता रहे तो चलता रहे, लेकिन मैं एक ऐसी लड़की से शादी कर लूं तो वो भी तो किसी की बेटी है, बच्ची, और लड़कियां बेवकूफ बन रही बन जाती हैं। और पता है हम कहते हैं हम आपकी मदद कैसे करें, हम इस शो के जरिए जो आपकी मदद कर रहे हैं वो ये मदद कर रहे हैं कि हम एनजीओ के साथ साथ आपको भी बता रहे हैं कि प्लीज अपना भी सेंस यूज करें। आप लोग सब समझदार हैं, पढ़ी लिखी लड़कियां, और आजकल आप देखिए एक मासी भी अपनी बेटी को पढ़ा रही है, बिल्कुल, उसको भी समझ है, उसको भी अकल है, और मासी भी आज, अब अगर शौहर हाथ उठाता है ना तीसरी बार तो वो रोक लेती है। सही बात है, बिल्कुल। एक कॉल है हमारे पास, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कराची से डॉक्टर अनवर जहीर बात कर रहा हूं। जी डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है? बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आज आपके यहाँ शुमायरा तशरीफ फरमा है, और आज आपकी गुफ्तगू का सारा फोकस जो है वो फीमेल्स के ऊपर है और हेरेसमेंट के ऊपर। देखिए दो बातें मैं आपसे अर्ज कर दूँ कि जो हमारे यहाँ का जो जितना सिक्योरिटी का निजाम है, पुलिस का हो चाहे वो CPLC का हो, किसी का भी, उसके अंदर ग्रास रूट लेवल पर जाकर बेहतरी, इम्प्रूवमेंट और बेटरमेंट की जरूरत है। जब तक पढ़ा लिखा स्टाफ नहीं आएगा,
किसी भी निजाम को आप एकदम नहीं खत्म कर सकते, वरना वो कोलैप्स हो जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब बड़े बड़े पढ़े लिखे भी बैठे हैं, पढ़े लिखे भी बहुत बड़े लिखे बैठे हुए सीपीएलसी में, कहाँ कहाँ बने हुए आए कुछ। मैं आपसे अर्ज करूँ, आप बिल्कुल सही फरमा रही है कि पढ़े लिखे, लेकिन देखिए बात यह है कि एजुकेशन आपने एक शऊर पैदा करती है, एक ऑनर पैदा करती है दूसरे को देने के लिए। जब आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं किसी के साथ तो आपको पता होता है कि मुझे किस तरह बात करनी है, क्योंकि जब तक एजुकेशन का एक सही स्टैंडर्ड प्लस ट्रेनिंग नहीं होगी, आपको पता होंगी कि आपकी क्या रिजर्वेशन एक बाउंड्रीज हैं, प्लस आपके पास जब कोई एप्लीकेशन आती है तो आपको किस तरह उसको एंटरटेन करना है। मौजूदा जो निजाम है उसके अंदर तो आप किसी भी बेहतरी के अंदर नहीं जा सकते, जब तक कि आप 10-15% करके उसको आहिस्ता आहिस्ता ले जाके उसको उस जगह पर लेकर आए जहां लोगों को बेहतरी महसूस हो। दूसरे नंबर पर चीज ये कि जैसे अभी आप फरमा रही थी कि भाई सीपीएलसी का, और जो जब तक आप मॉडल पुलिस स्टेशन प्लस सीपीएलसी के जो दफातर हैं वो टाउन की सतह पर लेके आए। कराची एक मुल्क है 2.5 करोड़ की आबादी का, एक सीपीएलसी का ऑफिस इनसफिशिएंट है। एक नहीं है टू ओपन द न्यू एविडेंस, ये तो ईस्ट है वेस्ट है साउथ एक है, नहीं है डॉक्टर है।, है लेकिन मेरा मकसद है कि टाउन की सतह पर है। लेकिन देखिए एक चीज ये, जैसे एक नॉर्थ नामाबाद की मैं बात कर रहा हूँ, एक टाउन की नॉर्थ नामाबाद के अंदर एक बहुत बड़ा एरिया जो लाखों लोगों के ऊपर है, उसके अंदर सब स्टेशन होना चाहिए ताकि लोग अपनी फौरी तौर पर जाके लॉन्च कर सके। एक स्टेशन ही सही काम कर ले डॉक्टर, एक स्टेशन अगर सही काम कर ले तो उसमें जो एक एप्लीकेशन आती है ना, मेरा सिर्फ इतना कहना है उसको इंटरटेन किया जाए जी। और अगर उसे इंटरटेन करने के बजाय वहाँ पे ये सोचा जाए कि जो खवातीन आ रही हैं उनके साथ आप मिसबिहेव करना शुरू कर दें, आप उनको गलत बातें करना शुरू कर दें, आप उनको इनविटेशन देना शुरू कर दें कि आप अकेले आए तो मैं आपसे बात करूंगा। और बात ये है ना डॉक्टर साहब, बात ये भी तो है, मतलब देखिए ना डॉक्टर साहब ये भी बात है कि मर्द की फिर आप सोच बदलने के भी ऊपर तो है। हाँ। आप जितना पढ़ा लिखा कर लें, वो पढ़े लिखे लोग हैं, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं आपसे और अर्ज कर दूं कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि थाने में जाने के बाद किसी मेल के साथ एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है, ये बिल्कुल वो भी नहीं होता। लेकिन डॉक्टर साहब नहीं कह रहे, कंपेरेटिवली हम बात करें कि मेल जो है वो फिर कुछ ना कुछ करके काम करा लेगा, लेकिन औरत बेचारी देखे मेल तो आगे से पढ़ भी जाएगा। एक आदमी दूसरे आदमी को ऊपर से लेके नीचे तक गंदी निगाह से तो नहीं नहीं देखेगा, और एक औरत को ही देखेगा ना एक आदमी। देखे मैं आपको बताऊं, अब देखे बिल्कुल सही कह रही, अब देखे ना अगर हम दोनों को कोलैबोरेट करें, व्हाई नॉट द फीमेल्स कैन गो एंड जस्ट सर्व इन द पुलिस स्टेशन। वो कर रही है, लेकिन उनको भी आप देख लें, वो भी वहाँ जाके क्या बन जाती हैं? अब बात ही है, फिर हम क्या करें, फिर अब क्या हो सकता है। बिल्कुल चलिए हम तो बात ही कर सकते हैं डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, बहुत शुक्रिया जी। बात ये है शुमाइला कि इन्होंने जो बात की ना, आप देखें मर्द जब जाता है तो उसको आपने कहा ऊपर से नीचे तक, वो तो गिरेबान भी पकड़ लेगा बिल्कुल, ज्यादा तो क्या उसको थाने में बंद कर देंगे। औरत तो इस डर से भी रहेगी ना कि भाई मेरा दुपट्टा ना गिर जाए, बिल्कुल मुझे मैं कैसे मर्द से लड़ सकती हूँ, लड़ सकती हूँ बिल्कुल से। एक देखो एक थाने के अंदर एक जब औरत जाती है ना, उसको पहले एक वो सिपाही टकराता है, फिर उसके बाद उसको एक SHO तक पहुँचने में उसे 4-5 ASI और सब इंस्पेक्टर और कौन कौन से औदों वालों से गुजर के मुझे फिर वो बताएं क्यों हम अभी अगर हमें ये कह दे कि आप देखना अभी ये भी बात निकल आएगी कि जी पुलिस को इतना आप क्यों बुरा कह रहे हैं। मुझे ये बताएं अगर आप रेंजर्स देख लें, आप आर्मी देख लें, इनके पास आप अपने तहफ्फुज के लिए जाते हैं तो आपको वैसी नजरों से कोई नहीं देखता, कोई नहीं देखता हमारे। आप रेंजर्स ही ले लें, आप रेंजर्स ही ले लें, रिस्पेक्ट देते हैं खवातीन को, वो इस तरह आपसे आप रेंजर्स के किसी जाके इंस्पेक्टर से बात तो करें, वो आपको इतनी इज्जत देगा जी बहन जी बहन जी बहन करेगा, क्योंकि वो एक फौजी होगा, वो फौजी होगा, लेकिन तरबियत हुई होती है, तरबियत तो हुई भी हुई होती है, लेकिन यहाँ पुलिस में ही क्यों आके लोग, मैं आपको सच कह रही हूँ शुमाइला, मतलब लोग क्या कहेंगे, हम यहाँ बैठे हुए हमें हम गुजर रहे होते हैं, मोबाइलें खड़ी होती हैं, ऐसे औरतों का एक्सरे निकाल रहे होते हैं जी बिल्कुल, और मेरे जैसी तो जाके बोल भी देती है कि भाई क्या मसला है आपके साथ, जो नहीं बोल सकती वो क्या बोलेगी। मैंने आपको कहा ना हम उस दिन बुरखे पे बात कर रहे थे, मैं उस दिन ही देख रही थी कि दो लड़कियां बेचारी बस स्टॉप पे खड़ी हुई बुरखा पहन के, पुलिस वाले उनको ऐसे देख रहे थे। अच्छा एक हादसा मैं आपको जरा बताती हूँ, ये मैं आपको अभी यहीं ऑन एयर बताऊंगी, और मुझे बिल्कुल भी बताते हुए कोई वो नहीं है भाई। हुआ ये कि मेरे वालिद साहब खड़े हुए थे, जैसे वो आप जब अपनी गाड़ी रोकते हो तो वो आपके ऑटोमेटिक लॉक्स होते हैं वो खुल जाते हैं, ठीक है। एक खातून आई और वो आके वहाँ खड़ी हो गई और वो गाड़ी में ऐसे बैठ गई। अच्छा अब ऐसे पापा भी हो गए कि भाई बीबी क्या बात है, तो आगे से उसने कहा कि आपने गाड़ी क्यों रोकी, तो
मेरे पापा, अच्छा उस वक्त मेरे बहन से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा मैं तो अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ, मैंने गाड़ी रोक दी कि मैं चलाते हुए ना, तो उन्होंने कहा, उसने कहा नहीं अब आपने मेरा टाइम जाया किया, होगी कोई अब अल्लाह जाने मेरा टाइम जाया किया, चल चले आप पैसे निकाले। अब पापा के मुंह से निकले कि वो तो मैं एटीएम जा रहा था, कहती चलो मैं एटीएम चलती हूँ, नहीं गए आप तो ये पुलिस वाला जो सामने खड़े ना ये मेरे साथ है, मैं ऐसा शोर मचाऊंगी कि आपको इनको भी पैसे देने पड़ेंगे और मुझे अलग देने पड़ेंगे। ओह माय गॉड, मतलब उसने साफ बोला और पुलिस वाला सामने ही खड़े थे मोबाइल वाले। इसी तरह ये कौन सा एरिया मैं आपको बताती हूँ, शारे फैसल में, जहाँ आप देखे ना शारे फैसल के जो बैंक शुरू हो जाते हैं ये वहाँ की बात है, मेन शारे फैसल की बात है ये, कि पुलिस आपकी मिली होती है और जहाँ पे डकैती होती है वहाँ या चोरी होती है, बैंक कितने लूटे जा रहे होते हैं, आप देखें वहाँ पुलिस लास्ट में उस टाइम पे पहुँचती है जब सब। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, मैं सॉरी आपको रोकूंगी, हमें एक ब्रेक का वक्त हुआ और शिमाला का सेगमेंट भी खत्म हो गया, पता ही नहीं चला। इसी को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक चलाते हैं शिमाला, इसी को कंटिन्यू करेंगे और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर कमिंग शिमाला। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारा सेगमेंट होगा और हमारे साथ स्पीकर्स कॉर्नर हमारे साथ होंगे रमजान शिपा साहब, तो आप यहीं रहिएगा हमारे साथ, हम अभी आप